एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे तालाब छूमंतर की। यूपी में जहां एक तरफ भू माफिया पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भू माफिया सक्रिय हैं और लगातार पोखर और तालाबों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और कुल मिलाकर वाराणसी में सिर्फ आधा दर्जन ही तालाब बचे हैं। लेकिन इन सब के इतर नगर निगम को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब नगर निगम से शिकायत की जाती है तो वहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का हवाला दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वाराणसी में अब सिर्फ आधा दर्जन के करीब ही तालाब बचे। तो दरअसल वाराणसी में बने तालाब और पोखरों की जिम्मेदारी नगर निगम की है और निगम के सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि पूरे वाराणसी में कुल मिलाकर 1267 तालाब हैं, तो वहीं सदर तहसील में 367 पोखर हैं। लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से 1200 से ज्यादा तालाब और 350 से ज्यादा पोखर गायब हो चुके हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदानंद साहू तालाब, हमारे साहू साहब यहाँ रहते थे, उनका यह ईसैया का बंगला पूरा था, यह तालाब उन्हीं का था। नगर निगम में दर्ज था। हाँ, नगर निगम का तालाब है ना, जब बहुत पुराने पुराने जमाने की तालाबें हैं, अब सब सरकारी है ना है। अच्छा, क्या हुआ है इस तालाब के साथ, कितना बड़ा था और क्या हुआ? करीब 3.5-4 बीघा का पोखरा है ये तालाब। पहले के लोग थे, अपना पटवा के अपना कब्जा करते चले गए, बनवाते चले गए। मांग क्या है स्थानीय जनता? जिनतारी जनगा की हमारी मांग ये है कि भाई फिर से ये तालाब हमारा फिर से जैसे था बनवा दिया जाए, हम लोग को पानी की बड़ी समस्याएं होती हैं। 20 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आर्डर था कि इस प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, तालाब हैं, कुंड हैं, उनको खाली कराया जाए अवैध अतिक्रमणकारियों से। शासन प्रशासन मुख दर्शक है, वो आदेश आज भी यथावत बने हुए हैं। एक भी तालाब नहीं, न तो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, न किसी खिलाफ कार्रवाई की गई। उसकी देन है कि और जो शेष तालाब बचे हुए हैं वो भी अतिक्रमण की जद में है, उनका भी अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। तो देखिए, वाराणसी में बने 1200 से ज्यादा तालाब सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होकर रह गए, वहीं 350 से ज्यादा पोखर कहीं नजर नहीं आते। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने पोखर और तालाब को पाटकर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं और अगर कुछ बचा है तो सिर्फ नगर निगम का बोर्ड, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये जमीन नगर निगम की है। लेकिन लगातार होते अतिक्रमण के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें जो जो अध्यासी है अब वो पहले उसमें हाई कोर्ट में लगातार केस चल रहा था, तो एक्टिवली बहुत ज़्यादा परस्यू हम नहीं कर पाए थे, तो उनको हम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं कि लीगली हम लोग रेमेडी लेके तभी उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करने जाते हैं तो उस पर उल्टा कंटेम्प्ट की स्थिति बनती है। तो ये कुछ तालाबों का इशू है कि नॉन जेडे के वो तालाब थे, वो दर्ज भी हो गए समयकालीन में, पर चूँकि नॉन जेडे प्रॉपर्टी है तो हम लोग उसमें एक उसकी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसी के तहत हम लोग इसको खाली करवा रहे हैं। पर जैसा मैंने बताया कि इसमें काफ़ी मेजर सफलता बड़े बड़े तालाबों पे, चाहे वो नदेसर हो या पांडेपुर हो या सोनिया तालाब हो, इस पर हमने अभी हाल ही में हासिल की है। इसमें बहुत जहाँ देखा गया वहाँ पे भू माफियाओं ने कम, बल्कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अपना भूमि विस्तार करके अपने घर बना लिए या फिर समय काल में लोग रहने लग गए, इस प्रकार का है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इस प्रकार का कोई संज्ञान में नहीं आया, पर वहाँ पे अध्यासन था, तो अब कलेक्टिवली 4-5-7 घर हैं, जैसे बकरिया कुंड में करीब 9 घर बन चुके हैं, तो इस तरह की स्थिति है। पर उसको टैक्टफुली हम लोग हैंडल करके, पर उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो बकरिया कुंड में कल भी हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी, और जैसा मैंने कहा कि सर्दी का समय है तो उस तरह से संवेदना भी एक एंगल रखना पड़ता है मानवता का, और उसके हिसाब से कि वो रिहैबिलिटेट हो पाए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम का तर्क है कि हम लगातार अभियान चला रहे हैं, तो वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शिकायत करने के एवज में जवाब मिला कि जिन पोखर और तालाब पर कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है वो नगर निगम की नहीं बल्कि निजी जमीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि निजी जमीन पर नगर निगम का बोर्ड
क्यों लगा हुआ है। सवाल ये कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज पोखर तालाब आखिर कहाँ है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ। सवाल ये कि निरीक्षण सिर्फ कागजों पर क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये वाराणसी में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर तालाब और पोखर गायब हो रहे हैं और नगर निगम को कानों कान इसकी खबर तक नहीं हो रही है। और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका कहना है कि जहां पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो गई हैं वो दरअसल निजी जमीन है, उसमें उनका कोई उनकी जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा है तो वहां पर फिर नगर निगम का जो बोर्ड है वो क्यों लगा हुआ है। और सवाल ये भी है कि जब लगातार पोखर और तालाब गायब हो रहे हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो नगर निगम सोया क्यों हुआ है। नगर निगम ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। नगर निगम क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पोखर और तालाब बंद होने से, उन पर अतिक्रमण होने से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, पानी की निकासी में दिक्कत होती है। और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम कोई ठोस एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चलिए हम सीधा वाराणसी का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कमलेश चंद्र त्रिपाठी अधिवक्ता जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, अपने आप में ये एक ऐसा मामला है जो चौंका भी रहा है और कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि इतने सारे तालाब, इतनी सारी पोखर नगर निगम के कागजातों में तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर नजर नहीं आ रही हैं। सवाल ये है कि कहाँ चली गई ये तमाम पोखर और तालाब, और नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। नगर निगम बिल्कुल सोया हुआ है, और हमारे ऐतिहासिक महत्व के, धार्मिक महत्व के जो भी तालाब हैं उस पर अनवरत कब्जा जारी है और आज भी ये चल रहा है, लेकिन नगर निगम पूरा मौन है। उसकी सिर्फ एक ड्यूटी है कि बोर्ड लगा देता है, ये तालाब नगर निगम का है, उसके बाद उस पर बिल्डिंगें बन रही, इमारतें बन रही, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और अगर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाइए, लिखा पढ़ी में जाइए, वहाँ पे तो वहाँ से लिख के आता है कि ये मेरे यहाँ दर्ज ही नहीं है। अब इनको खुद पता नहीं कि इनका तालाब कहाँ दर्ज है, कहाँ नहीं पता। जिलाधिकारी महोदय ने 2017 में दिया था प्रार्थना पत्र, सिकरौल में एक तालाब है जिसपे बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, पूरा काट के रास्ता बना दिया गया, वहाँ पर प्लाटिंग की जा रही है। मैं उस संदर्भ में जब शिकायत किया वहाँ पर, तो डीएम ने नगर आयुक्त को लिखा कि आप मौके पर जाकर के अतिक्रमण हटवाएं, उसको देखें। नगर आयुक्त ने लिख के भेज दिया कि ये तालाब नगर निगम में दर्ज नहीं है, और नगर निगम का वहां बोर्ड लगा हुआ है। तो ये तो कागजों में पेट भर रहे हैं, मौके पर तालाब है कि नहीं इनको इससे मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, और ये वाकई में चौंकाने वाली बात है और हास्यास्पद लगती है कि वहां पर नगर निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये कह देना कि ये तो निजी जमीन पर हुआ है। कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, चूंकि देखिए आप ही इस मामले को संज्ञान में लेकर आए हैं और आप ही लगातार शिकायत कर रहे हैं, सोए हुए नगर निगम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी कोई एक्शन नगर निगम लेता हुआ नजर आ रहा है आपकी शिकायत के बाद। कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तालाब तो इतने उपेक्षित हैं कि मतलब दिन पर दिन तालाबों का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया। अब ये 67 तालाब नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, 67 तालाब नगर निगम क्षेत्र में हैं, जिसमें 35 बिल्कुल पाट दिए गए हैं, जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, वो तो है ही नहीं। जो बचे हुए हैं उस पर भी अवैध अतिक्रमण जारी है, और कुछ तो इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि एक ओमकालेश्वर तीर्थकुंड था, उसको बीडीए ने पाट कर एकता नगर कॉलोनी बना दी। बीडीए, ये तो सरकारी विभाग है, विकास प्राधिकरण है वाराणसी का, ये पाट दिया। नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, बीडीए पाट के उसको उस पे प्लाटिंग करता रहा, उसको कॉलोनी बना दे रहा है। आप जो तमाम बातें कर रहे हैं कि बीडीए ने यहाँ पर पाट कर निर्माण कर दिया, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से नगर निगम का जवाब सामने आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नगर निगम की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, नगर निगम जानता है, जानते बूझते भी यहाँ पर मौन बना हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई फायदा है। नहीं, बिल्कुल नगर निगम जानता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, हाई कोर्ट का आर्डर 2007 का था कि आप जितने भी तालाब पाटे गए हैं जिसपे अतिक्रमण है आप अतिक्रमण हटवाएं, और जो तालाब पाट दिए गए हैं उनको आप रिस्टोर कराएं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, 2007 का आर्डर हाई कोर्ट का है। ये स्थिति नगर निगम की, नगर निगम कोई मतलब नहीं है, उस कोई मतलब नहीं कि तालाब उसके हैं या उसको कार्रवाई करनी है, उसके पास अधिकार हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कागज की बात है। अगर आप कोई शिकायत करेंगे तो कागज में लिख के आ जाएगा ये मेरे संज्ञान में नहीं है,
या नगर निगम से इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है और तालाब दिन पर दिन गायब होते चले जा रहे हैं। एक भी तालाब जाएंगे तो मतलब बिल्कुल अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। बड़ी दुखद स्थिति है काशी की, जो तीर्थों कुंडों का क्षेत्र है, शहर है ये, वहां जब तालाब और कुंड गायब होते जा रहे हैं, नगर निगम बिल्कुल मौन है। इनकी मिली भगत से पूरी प्लाटिंग की जा रही, कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, और ये तस्वीरें देखकर और कागजात देखकर तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, जब आप शिकायत करते हैं, जब आप जाते हैं नगर निगम में और आप बताते हैं कि यहाँ पर जो तालाब है वो गायब हो गया है, पोखर पर अतिक्रमण हो गया है, क्या जवाब आपको मिलता है? कार्रवाई करने के लिए कदम उठाते हैं या सिर्फ आपको टालने के लिए कोई ना कोई बहाना दे दिया जाता है? कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ कागज में रिपोर्ट आख्या लगा करके भेज दी जाती है। मौके पर ना कोई जाता है ना इनको, सिर्फ आप हम एप्लीकेशन देंगे, हम शिकायत करेंगे, उसमें लिखा पढ़ी कर दें, लिखा पढ़ी के वापस कर। हमने एक शिकायत की थी सिकरौल तालाब के विषय में, जहां अवैध प्लाटिंग जारी थी, वो तालाब पर रास्ता बना दिया गया, रास्ता बना के प्लाट काट दिए गए, प्लाट काट करके भूमाफिया उसको सेल कर रहे हैं। हमने शिकायत की 2017 में जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया नगर आयुक्त को, आप मौके पर जाएं और अतिक्रमण हटाएं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। नगर आयुक्त महोदय मौके पर नहीं गए, न तो कुछ किया उन्होंने, उन्होंने लिख के भेज दिया कि ये तालाब नगर निगम के रिकॉर्ड में नहीं है, नगर निगम का इससे मतलब नहीं है, जबकि नगर निगम का वहां बोर्ड लगा हुआ है, ये तालाब नगर निगम की संपत्ति है, बोर्ड लगा के इनका दायित्व तो खत्म हो गया। कार्रवाई नहीं करनी है, सिर्फ ये खाना पूर्ति करते हैं, खाना पूर्ति भी करने नहीं आता इनको, जब ये खाना पूर्ति भी नहीं कर सकते ठीक से तो कार्रवाई कैसे करेंगे? बिल्कुल, और इनकी जो खाना पूर्ति है वो पकड़ी भी जा रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि किससे गुहार करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है नजर आ रही है। ऐसे में कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो आगे आप अब क्या करेंगे? आप कहां पर जाकर अब शिकायत करेंगे ताकि जो गायब होते तालाब और पोखर हैं कम से कम बचा लिया जाए उन्हें जो बाकी बचे हैं? अब हमारे पास जन आंदोलन का एक मार्ग बचता है, जन आंदोलन करेंगे। अब धार्मिक महत्व के ये तालाब है, पौराणिक महत्व के हैं, और ये काशी की आत्मा है, तालाब और कुंड जो है काशी की आत्मा है, और तालाब कुंड खत्म हो जाएंगे तो काशी का महत्व समाप्त हो जाएगा। जब काशी का महत्व समाप्त हो जाएगा तो फिर तो ये बिल्कुल अनुचित है, और इसके लिए जन आंदोलन जितना भी किया सकता है किया जाएगा, लेकिन जो हमारे तालाब है उनके अस्तित्व को बचाया जाए। नगर निगम कार्रवाई करे, दायित्व इनका है, ये कार्रवाई करें। आपकी सरपरस्ती में अगर ये कार्रवाई हो रही तो कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है, या आपको संरक्षण, आपने संरक्षण दिया हुआ है। बिल्कुल, देखिए कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी खुद दोषी है, नगर निगम खुद दोषी है। वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र है, और पीएम किस तरीके से वाराणसी के विकास को लेकर चिंतित रहते हैं और किस तरीके से कदम उठाते हैं ये हम सब देखते हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है तो कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्या आपने नगर निगम के अलावा, डीएम के अलावा, किसी और से इस मामले की शिकायत की है? किसी जनप्रतिनिधि के दिमाग में, नजरों में ये मामला आप लेकर आए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर नगर निगम की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? हमने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की, जिलाधिकारी महोदय ने जब क्लियर कट आर्डर कर दिया कि आप अतिक्रमण हटवाएं वहां, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नगर निगम नहीं करता है, वो लिख के भेज देता है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में ये नहीं है, नगर निगम का उससे मतलब नहीं तालाब का, नगर निगम ने बोर्ड लगाया है, तो हम किससे शिकायत करने जाएं? तो हमारे पास तो एक ही रास्ता बचता है कि हम जन आंदोलन करें, फिर इनके खिलाफ इनको जगाएं। ये हाई कोर्ट का आर्डर नहीं सुनते, हमारा प्रार्थना पत्र नहीं सुनते हैं, डीएम का आदेश नहीं सुनते हैं, तो सुनेंगे किसकी? फिर नगर निगम सुनेगा किसका? अच्छा, जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर का, हमारे पास क्या रास्ता है फिर? जब बिल्कुल बिल्कुल कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर तक की अवहेलना कर रहा है नगर निगम, इस तरीके से लापरवाह बना हुआ है, वो ऑर्डर क्या है, क्या कहा है हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने 2007 में क्लियर कट कहा कि जितने भी तालाब हैं जो पाटे जा चुके हैं उनको आप रिस्टोर कराएं, तालाब का अस्तित्व पुनः स्थापित करें, यह हाई कोर्ट का आर्डर था, और जिन तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और तालाब को अतिक्रमण से बचाएं, ये हाई कोर्ट का 2007 का आर्डर है। 13 वर्ष हो गए, हाई कोर्ट का आर्डर भी उसी तरह से नगर निगम की फाइलों में पेंडिंग आन पड़ा हुआ है। जब नगर निगम हाई कोर्ट की नहीं सुनता है, प्रार्थना पत्र देंगे तब नहीं सुनेगा, तो नगर निगम सुनेगा किसकी फिर आखिर? और नगर निगम किसी के प्रति जवाबदेह हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह है नहीं, आप हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह है नहीं, आप तालाब के प्रति जवाबदेह कौन का है? आपने आंख बंद कर ली है।
बिल्कुल, नगर निगम यहाँ पर सोया हुआ है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलीभगत है नगर निगम की, तभी इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।